तो वही बाड़मेर के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि एक जमाना था जब पचपदरा को पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन आज पचपदरा इलाका प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा क्षेत्र के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट स्वीकृत किया है। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की जाती है, उसे मुख्यमंत्री तत्काल पूरा करते हैं। विधायक ने बताया कि पचपदरा क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। हमारे साथ आज खास मुलाकात में पचपदरा से विधायक मदन प्रजापत हैं। इनसे जानना चाहेंगे चुनाव के दौरान जो वादे इन्होंने जनता के साथ किए थे, उन्हें कितना पूरा कर पाए, क्योंकि जब चुनाव से पहले कांग्रेस चुनावी मैदान में थी तो तमाम वादे जनता के साथ किए थे। विधायक साहब नमस्कार, किस तरह के चुनाव के दौरान जनता से वादे किए थे और कितने वादों को ढाई वर्ष के इस समय में पूरा कर पाए? सबसे पहले मुझे खुशी है कि राजस्थान में हमारी सरकार है, और सबसे पहले मैं 37 कौम के मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा, और माननीय हमारे मुखिया और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं वो कम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमने मांगा वो उन्होंने दिया। हमने घोषणा की इनके अलावा अतिरिक्त जो कार्य हमारे क्षेत्र पचपदरा में हुए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि चाहे एडिशनल एसपी ऑफिस हो, चाहे एडीएम ऑफिस हो, चाहे नई कॉलेज हो, चाहे कॉलेजों में पूरे जो बाकी वंचित सब्जेक्ट थे वो हो, चाहे पानी के लिए बजट हो, इनके अलावा एक तहसील नई दी है, एक उप तहसील दी है, सीवरेज के लिए 232 करोड़ का जो प्रस्तावित बजट जो स्वीकृत हुआ है, इनके अलावा दो ओवर ब्रिज और दो अंडर ब्रिज हमारे क्षेत्र में बन रहे हैं, तो लोगों में ये बड़ी उम्मीद थी। तो उम्मीद से भी ज़्यादा आम आवाम और आम जनता में खुशी है कि अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है। इन तमाम विकासों के अलावा, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के हो, चाहे तमाम नई स्कूलों के हो, इन तमाम के अलावा आप जानते हैं कि एक समय था जब बाड़मेर अपने आप में बैकवर्ड जिला माना जाता, और आज हमें खुशी है कि तमाम तरह के चाहे तेल हो, चाहे अन्य खनिज हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, इनकी वजह से आज राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। हर घर में फोर व्हीलर है, तो ये रिफाइनरी जो हमारे पचपदरा में निर्माणाधीन है, इन वजह से भी पूरे विश्व के मानचित्र में पचपदरा का नाम रोशन हुआ है। हमें आगे भी उम्मीद है कि हमारे विकास पुरुष और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भी जो हम निवेदन करेंगे हमारी भावनाओं की कदर करते हुए वो कार्य पूरा करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहे हैं, आगे भी आपकी जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं, राजस्थान में 5% आबादी है, और ये पहली बार है जब आपके इस सरकार में आपके समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो मैंने एक ही सवाल का जवाब दिया कि मैं किसी पद विशेष का भूखा नहीं हूँ, मुझे क्षेत्र में विकास चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि बाकी जो भी मांगते हैं उनको दे दो, हमें उनकी फिक्र नहीं है, मुझे जो हमारी लोगों की भावना 40 सालों से लंबा पुराना जो लोगों के मन में कई तो मन में ही चली गई और उनको 100 साल पूरे हो गए, और सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो पहले पानी का वो पूरा हो गया, अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि बालोतरा ज़िला बने, तो ये उम्मीद आम आवाम की है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बालोतरा को ज़िला बना दे, हम समझेंगे पूरी उम्मीदें पूरा विकास हमारा हो गया। और इनके अलावा आप जानते हैं कि बालोतरा में 3 ऑक्सीजन प्लांट जो बन रहे हैं, इनका भी प्रमुख अगर कोई कारण है तो गत बजट में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बालोतरा अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया। ऐतिहासिक कामकाज इनके विधानसभा क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली पर भी विधायक महोदय ने संतुष्टि जाहिर की है। सहयोगी सुरेश कुमावत के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।